सो हाय गाइस, मेरा नाम अनुप्रैड। अब तक रोहित एक वीडियो और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरह से अपनी व्हाट्सएप के अंदर फिंगरप्रिंट लॉक के साथ और फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ व्हाट्सएप को किस तरह से अनलॉक करते हैं। जैसे देख पा रहे हो मेरा जो व्हाट्सएप है दोस्तों, रियल व्हाट्सएप है, ऑरिजिनल व्हाट्सएप है, ऑफिशियल व्हाट्सएप है जो कि मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है। और मैं यहाँ पर आपको वर्सन भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर मेरा जो व्हाट्सएप का वर्सन है दोस्तों है 2.1.19.222। सो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप में यूज़ कर रहा हूँ, ना कि कोई फेक व्हाट्सएप और मॉडल व्हाट्सएप। तो सिंपली व्हाट्सएप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों जब भी मैं व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ तो मुझे दोस्तों यहाँ पर से फिंगरप्रिंट सेंसर देना होगा। उसके बाद दोस्तों व्हाट्सएप मेरा अनलॉक होगा। सो इस फीचर को दोस्तों यूज़ करने के लिए आपको जाना होगा दोस्तों प्ले स्टोर के अंदर। प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों को व्हाट्सएप करके सर्च कर लेना होगा। व्हाट्सएप करके दोस्तों सर्च करने के बाद जो भी लेटेस्ट वर्सन आएगा दोस्तों उसको आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। मेक श्योर दोस्तों आप एक बीटा टेस्टर हो। ये जो वर्सन है दोस्तों, ये जो फीचर है अभी के लिए सिर्फ बीटा टेस्टिंग के अंदर ही है दोस्तों, ये अभी तक स्टेबल के अंदर नहीं आया है। सो दोस्तों क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा यू आर ए बीटा टेस्टर। सो इस पर आपको इनरोल कर लेना होगा। सो यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा ज्वाइन करके, ज्वाइन में टैप करके आपको बीटा टेस्टिंग में आ जाना होगा व्हाट्सएप मैसेजर का। सो व्हाट्सएप के अंदर दोस्तों बीटा टेस्टिंग में आ जाने के बाद दोस्तों आपको कुछ देर बाद अपडेट आएगा। जो भी अपडेट आएगा दोस्तों इस अपडेट के अंदर ही दोस्तों आपको फिंगरप्रिंट अनलॉक का फीचर मिल जाएगा। इस अनलॉक को, इस फीचर को यूज़ करने के लिए दोस्तों आपको जाना होगा अपने व्हाट्सएप के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको ऊपर यहाँ पर थ्री डॉट में टैप करना होगा। उसके बाद जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स पर दोस्तों आ जाने के बाद आपको जाना होगा अकाउंट के अंदर। अकाउंट में आपको जाना होगा प्राइवेसी। प्राइवेसी के अंदर दोस्तों आपको नॉर्मली जो व्हाट्सअप होता है उसके अंदर आपको इस तरह से कुछ ऑप्शन मिलते हैं, पर जो बीटा व्हाट्सअप है दोस्तों, जो नया अपडेट आया है दोस्तों, अपडेट आ जाने के बाद दोस्तों आपको फिंगरप्रिंट अनलॉक का भी ऑप्शन मिलता है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो दोस्तों आपको मिल जाएगा यहाँ पर फिंगरप्रिंट लॉक। सो दोस्तों यहाँ पर आप फिंगरप्रिंट दे के आपका जो व्हाट्सअप है उसे अनलॉक कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाता है जैसे कि अनलॉक विथ फिंगरप्रिंट, कौन सी टाइम में आपको फिंगरप्रिंट आप अनलॉक होगा। सो जब भी व्हाट्सअप से बाहर चले जाओगे दोस्तों ऑटोमेटिकली आपको फिंगरप्रिंट देके व्हाट्सअप में अंदर आना पड़ेगा। सो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ दोस्तों ऑटोमेटिक लॉक का 1 मिनट में सिलेक्ट कर दो। उसके बाद शो कंटिन्यू नोटिफिकेशन, इसे आप ऑन ही रहने दो। सो कुछ इस तरह से दोस्तों आपको फिंगरप्रिंट लॉक को इनेबल करना होगा अपने व्हाट्सअप के अंदर। उसके बाद दोस्तों आप आराम से व्हाट्सअप के अंदर जब भी आप व्हाट्सएप को ओपन करोगे दोस्तों, तो दोस्तों आपको फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा। उसके बाद ही आप व्हाट्सएप को ओपन कर पाओगे। इससे पहले दोस्तों आपका चैट आपके फ्रेंड्स लोगों ने पढ़ सकते थे, पर अभी के लिए दोस्तों आप नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट लॉक देखिए आप व्हाट्सएप के अंदर ओपन कर सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपडेट होने वाला है 2-3 वीक के अंदर दोस्तों। ये जो अपडेट है पब्लिकली सभी के लिए स्टेबल के अंदर आ जाएगा। सो अगर आप एक स्टेबल यूज़र हो तो आपको सिर्फ 2 वीक में सबसे वेट करना होगा, व्हाट्सएप ये फीचर आपके लिए रिलीज़ कर देगा। मैं आशा कर रहा हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करना। इस तरह और भी इंटरेस्टिंग टेक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बेल आइकन को जरूर से दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।